गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में मैं बता रहा था कि जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एक चीज मैंने यह भी बोला कि जो बढ़ती है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है, यह चीज है। आज अपन देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये चीज अपन देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसी को अपन बोलते हैं CFSE। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अफेक्ट करती है हमेशा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को, कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती क्या है, जो डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया ये डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स दो में डिवाइड हो जाता है, दो टाइप के ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, एक होता है ईजी में और टी टू जी में। ये तो होता है फॉर ऑक्टाहेड्रल OH के केस में। अगर इसको टेट्राहेड्रल के केस में देखूंगा तो क्या होता है, ऊपर ये होता है और नीचे क्या होता है, ईजी, मतलब नीचे ईजी होता है ऊपर टी टू जी होता है, यही होता है, इसके लिए अपन देख रहे थे। अब मैं कह रहा हूं ये जो एनर्जी है ये होती है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये कितनी ज्यादा और कितनी कम, ये जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना गैप इनके अंदर ज्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो वो देखिए, पहला इसके लिए फैक्टर पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर सबसे पहले अफेक्टिंग करेंगे अपन सेंट्रल मेटल एटम CMA। पहला फैक्टर अफेक्टिंग है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के दो तरीके का नेचर हो सकता है, एक तो अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग। तो मैं इसको दो तरीके से डिवाइड कर देता हूं, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, क्लियर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से सीएफएससी को अफेक्ट करता है ये देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस सीएफएससी इंक्रीजेस, बात खत्म। मैं लिखता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस। कहने का मतलब कोई 5D का है उसकी CFSE ज्यादा होगी 4D से, और 4D की ज्यादा होगी 3D से, ऐसे। ये करिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये टेट्राहेड्रल के लिए भी हो सकती है और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो चाहे मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बोलूं, चाहे मैं टेट्राहेड्रल के लिए बोलूं, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट Thank you.
of central metal increases, CFSE increases. CFSE increase होता है अगर central metal की oxidation state बढ़ती है तो. ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक में आयरन की 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है और एक में आयरन की 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, द कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल ऑफ Fe3 प्लस कॉम्प्लेक्स. तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसके अंदर, सपोज एक कॉम्प्लेक्स मैंने दे दिया FeCN6 और यहां पे दे दिया 3 माइनस, और एक दे दिया FeCN6 और यहां पे हो गया 4 माइनस. कहने का मतलब है ये 4 माइनस कब होगा, जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सी में आएगा, प्लस 2 के अंदर. तो ये हो गया प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये हो गया प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. कौन सा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी. सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. अब कभी कभी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम होती है और उसके अंदर ये भी सेम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होती है, तब क्या करेंगे. तो उसके लिए देखिए, जब केस कैसा आ जाए कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम हो और ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो, तब क्या करेंगे. तो उसके लिए जिस भी सेंट्रल मेटल एटम के पास डी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. ये बात हमेशा याद रखेंगे. तो पॉइंट लिखेंगे, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, देन how to see CFSE. मैंने एक कंडीशन डाल के और आपको क्वेश्चन तरीके से पूछ लिया. तो याद रखेंगे इस केस के लिए नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस CFSE इंक्रीजेस, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग नहीं हो सकते ना. सपोज एक है कोबाल्ट 3, एग्जाम्पल में देखे दिखाता हूं, एक है कोबाल्ट 3 प्लस, एक है आयरन 3 प्लस. कोबाल्ट के अंदर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3, इसके अंदर भी कितना है, 3, क्योंकि थर्ड 3D सीरीज के ही है, 3D सीरीज के एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी होगी ज्यादा, कोबाल्ट की. क्यों, कोबाल्ट के अंदर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. Fe3 प्लस के पास कितने डी इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल का कितना होता है D6 4S1, तो कितना हो गया D6, एक तो S का चला गया और दो D के चले गए, मतलब 3D4, और इसके अंदर कितना आ जाएगा 3D5, दो D के चले गए और दो S के चले गए, इसके अंदर दो S के चले गए और इसका तो हो जाएगा 3D5, सॉरी इसके अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट का कितना होता है 3D7 4S2, मतलब कितना हो जाएगा 3D6. तो डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, ऐसे इस तरीके से आपको करना है. ये हुआ पहला फैक्टर जिसके ऊपर CFSE डिपेंड करता है. अब अपन पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर. तो दूसरे के लिए देखेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ये तुम चेंज करिए थोड़ा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस CFSE डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस करना, इसकी ज्यादा होगी.
जिसके अंदर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी सीएफएससी कम होगी, मैंने उल्टा बोल दिया था, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सेकंड देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है सेकंड फैक्टर, लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर। आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और वो लिगेंड की स्ट्रेंथ आपको बहुत काम आएगी इस चैप्टर में, याद रखना। तो देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग कौन है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड निकालते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग कॉम्प्लेक्स की, उससे निकाला जाता है एफिशिएंसी से, और उसके बाद एक फिक्स ऑर्डर दे दिया गया है, तो वो लिखेंगे। देखिए तो देखिए लिगेंड के स्ट्रेंथ पे किस तरीके से सीएफएससी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द लिगेंड, और ये लिगेंड की स्ट्रेंथ किसके बेस पे है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज के बेस पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे जो ऑर्डर दिया गया है वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है एनओ प्लस, नाइट्रोसिन जिसको बोलते हैं, उसके बाद कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनाइल लिगेंड, साइनाइड लिगेंड, इथाइलिन डायमिन, ऑर्थोफिनेंथ्रीन, डाइपिरिडीन, एसओ थ्री सल्फाइट, पिरिडीन और अमोनिया ऑलमोस्ट सेम है, और ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होते हैं। ईडीटीए भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये थायोसाइनेट, ऑक्सिलेटो, वाटर, यहां से वीक फील्ड लिगेंड स्टेट होते हैं, वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, क्लोराइड, थायोसाइनाइड, ये और ये दोनों सेम हो गए। तो एक काम करना, इनको ये करना आप, ठीक है। SCN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहां S के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। जब इसके इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, जब इसको क्या बोलते हैं, इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड S, यहां पे इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि नाइट्रोजन से लिंक है ना, आइसो वीक होता है। ये हो गया लिगेंड की बेस्ड अपॉन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अपन पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक फैक्टर होता है ज्योमेट्री के बेस पे, तो अपन लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, वो लिखेंगे ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये उतार लिया, ये ऑर्डर उतारिए, ये वीक फील्ड लिगेंड है, यहां तक वीक फील्ड माने जाते हैं, इसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्टार्ट होते हैं, ऑर्डर हमेशा याद रहना। थर्ड है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, स्क्वायर प्लेनर, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए, उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए, ये बात याद रखें। अगर कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड, कहने का मतलब अगर आपको कोई ये दे दे निकल H2O6, एक दे दे निकल NiCl4, और एक दे दे निकल CN4, यहां पे भी दे दे 2-, यहां पे भी दे दे 2-, निकल प्लस 2 में, निकल प्लस 2 में, और यहां पे भी दिख दे निकल प्लस 2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम। यहां पे ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अलग अलग है, ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि अपने को पता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हो गया टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना पता लग जाएगा, इसके अंदर होता है sp3, और ये हो गया dsp2, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा इसकी होगी, उसके बाद में इसकी होगी, उसके बाद में इसकी, और ये तो अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ से भी देखेंगे तो भी अपने को पता लग जाएगा, सबसे ज्यादा साइनाइड, उसके बाद में वाटर, उसके बाद में क्लोरीन, सबसे कम इसकी होगी। देखिए क्या रिलेशन क्या होता है इसके अंदर, अगर ये लिखा तो मैं
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में होता है फर्क, ये होता है 4/9। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू द 4/9 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल टी इक्वल टू 9^36 बच गया, अच्छा आ जाएगा अराउंड इतना आ जाएगा, मतलब बड़ा कौन हुआ ये। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा किसकी हुई, इसकी, टेट्राहेड्रल से ज्यादा। कितना ज्यादा है मैं आपको बता दिया है कि इसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ज्यादा है। अब इसके ऑक्टाहेड्रल के और स्क्वायर प्लेनर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं बता देता हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल बी 1.3 टाइम्स ग्रेटर देन डेल जीरो, ये होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल बी ग्रेटर देन डेल जीरो। कितनी ज्यादा होती है, इसका 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जितना बड़ा होगा तब ये इसके इक्वल आता है, ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये छोटा जाएगा, तो ये इतना छोटा होने के बाद भी इसके इक्वल है, मतलब ऑब्वियसली ये क्या हो गया, बड़ा। ये क्या हो गया, बड़ा, मतलब इतना छोटा होने के बाद भी ये एक के बराबर है, ये 0.45 डेल जीरो और ये 1 डेल टी, ये एक के बराबर है, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, ये रिलेशनशिप याद रखेंगे। इतना करिए आज, तो मैंने अभी आज आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और सीएफएससी का एक फॉर्मूला होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपने को पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का वो दे दिया जाए तो कैसे अपन उसके अंदर सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं, तो सीएफएससी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला अदरवाइज लिख ही लेंगे, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द सीएफएससी इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्सेस, जैसे D7 के लिए, D8 के लिए, D5 के लिए, इसी तरीके से इनके अंदर भी अगर आपको सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के दी गई है तो इसको डेल टी में कितना चेंज करेंगे, चेंज इंटरकन्वर्जन आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं, इतना करिए आज, थैंक यू वेरी मच।